good morning dear students dear student we are doing chapter 9 our homes and in the previous video i have explained home gives us shelter and it protect us from rain wind cold and heat of the sun and it also protect us from thieves and different type of houses i have explained one the bungalow and the second one is apartments, which are in multi-story buildings. And yesterday I have explained about the people in different type of houses depend on location and climate of the place. And the early man lived in caves and he ate flesh of animals, of fruits and root of plants. Over a long period of time, the hunter and the food gatherer become the fruit producer. He start living in a small hut close to his crop even now. Many people live in hut in village. The huts are made of bamboo, straw, dry leaves and mud. They are known as Kacha house and temporary house. And they start leaking in the rainy season, strong wind can also damage them and we have also read about do you know the cooking has to be done outside the hut as a straw can catch fire easily today we will start from here hut can also be found in slum in city you can see here in this picture असलम इन सिटी असलम वो एरिया होता है जहाँ पर बहुत से लोग छोटे छोटे जुगी झोंपड़ियों में रहते हैं और जो कि छोटे मोटे काम करते हैं सामान उठाना सब्ज़ी बेचना है किसी के घरों में काम करते हैं तो एक साथ रहते हैं बहुत ही कंजस्टेड जो होती है स्ट्रीट्स होती हैं सी हियर के रास्ता भी नहीं एक के साथ एक घर जुड़ा होता है ठीक है झोपड़ी जुड़ी होती है दे आर मेड ऑफ ब्रिक्स टीन और पॉलिथीन शीट और इतने भी ये जो घर बने होते हैं हट्स बने होते हैं वो किसके बने होते हैं स्लम एरियाज़ में जो सिटीज़ में होते हैं मोस्टली वो किसके होते हैं ब्रिक्स जो ब्रिक्स हैं उनको यूज़, जाएगा, हो, है, यूज़ किया जाएगा इंटों का टीन की जो क्षति होती है वो टीन की बनी होती है वह पॉलिथीन शीट्स यूज़ की जाती है यू कैन सी हियर इन्होंने क्या देखो ऊपर जो टीन जो है यूज़ की हुई है घर बनाने के लिए ना यहाँ पर तो जितने भी हर्ट्स हैं जो आप देख सकते हैं वो कहाँ मिलेंगे शहरों में देखने के लिए स्लम्स एरिया में ठीक है और वो किसी के बने होते हैं ब्रिक्स के टीन के और पॉलिथीन शीट यूज़ करते हैं दिस डेज मोस्ट विलेजर्स लीव इन पक्का हाउसेस और परमानेंट हाउस लेकिन आज के डेट में क्या है जो विलेज में जो लोग रहते हैं उनके घर कैसे हैं पक्के हाउसेस हैं जिसको हम परमानेंट हाउस भी बोलते हैं ऐसे हमने ऊपर पढ़ा था जो टेम्प्रेरी हाउस है क्यों है टेम्परेरी हाउस क्योंकि जल्दी क्या है वो डैमेज हो जाता है क्या रेन आएगी तो जो छत जो जल्दी लीक कर जाएगी टेम्प्रेरी हाउस की कच्चे हाउस की बहुत स्ट्रांग विंड चलेगी तो भी डैमेज कर जाएगी लेकिन जो पक्का हाउस होता है उसको हम परमानेंट हाउस क्यों बोलते हैं क्योंकि वो सॉलिड मटेरियल से बने होते हैं और जल्दी डैमेज नहीं होते हैं ठीक okay? है तो आजकल ये जो इस तरह के जो घर है पक्का हाउस वो विलेज में भी हैं जैसे पहले विलेज में हमने कहा डिस हर्ट्स होती थी लेकिन आजकल क्या है पक्का हाउस है जिसको हम क्या बोलते हैं परमानेंट हाउस भी बोलते हैं दे आर मार्बल्स स्टोन सीमेंट एंड टिम्बर सो ये किसके बने होते हैं को बनाने के लिए क्या क्या यूज होता है ब्रिक्स मार्बल्स ठीक है स्टोन यूज होगा पत्थर का यूज़ होगा सीमेंट का यूज होगा और टिम्बर टिम्बर की लकड़ी का यूज किया जाता है आपके विंडोज डोर बनाने के लिए या फिर जो कच्चा हाउस है किसका बना था हमने क्या पढ़ा था दे आर मेड ऑफ बैम्बोज स्ट्रॉ ड्राई लीव्स एंड मड बट ये इसके अपोजिट सॉलिड मटेरियल से बने होंगे ब्रिक्स यूज़ होगी मार्बल यूज़ होगा स्टोन यूज़ होगा सीमेंट और टिम्पर यूज़ होगा अ वेरी बिग विलेज हाउस इज कॉल्ड हवेली और जो गांव में सबसे बड़ा घर होता है उसको क्या बोला जाता है हवेली यू कैन सी हियर हवेली ये गांव में किसी का घर है और ये बिल्कुल मजबूत बना हुआ यू कैन सी उसमें कि यूज़ करने के लिए उन्होंने ब्रिक सीमेंट टिम्बर इन सब का यूज़ किया है आयरन रॉड का यूज़ किया है और ये बहुत बड़ा घर है विलेज का और इस घर को क्या बोलते हैं गांव में हवेली सो हियर वी हैव डिस्कस टू टाइप ऑफ हाउसेस एक टेम्प्रेरी हाउस एंड सेकेंड वन इज़ परमानेंट हाउस पक्का हाउस माउंटेन जर्नली रिसीव हैवी रेन एंड स्नोफॉल ये बोल रहे हैं कि जो माउंटेन्स हैं यहाँ पर जनरली क्या रहता है मतलब या तो रेन रहेगी और यहाँ पर स्नोफॉल भी रहता है अब देखा कि रेनी सीजन में आजकल हमारे यहाँ पर कितनी रेन हो रही है ठीक है हम माउंटेन एरिया में रहते हैं और विंटर्स में वहाँ पर क्या होती है बहुत जो अपर ली एरिया वहाँ पर स्नो रहेगी दाउस इन कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर मेड विथ स्लूपिंग स्लोपिंग सॉरी रूफ्स सो डैट रेन वाटर एंड स्नो कैन स्लाइड डाउन इजिली और जो घर होते हैं जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के वी लिव इन हिमाचल प्रदेश हम हिमाचल प्रदेश में रहते हैं तो हमें पता है यहाँ पर घर कैसे होते हैं ठीक है ऐसे ही जम्मू कश्मीर की जो जगह है और हिमाचल की जगह है वहाँ पर जो छतें होती है कैसे होती है स्लोपिंग होती है तिरछी आप दे, यहाँ देख सकते हैं सी इन दिस पिक्चर इस तरीके की होती है और क्यों होती है सो डैट द रेन वाटर एंड स्नो कैन स्लाइड इजीली ताकि जो पानी है और जो उसके ऊपर स्नो विंटर सीजन में जो स्नो गिरती है वो इजीली जो है स्लाइड करके नीचे चले जाए मतलब तो वहां पर वो ज़्यादा देर तक रह नहीं सकती है तो वो रूफ को कम डैमेज करेगी हाउस विद द स्लोपिंग रूफ ऐसे घर आपने जरूर देखे होंगे हिमाचल में अगर आप विज़िट करने गए हूँ कहीं घूमने गए हूँ लाइक मनाली शिमला यहाँ पर बड़े बड़ी जगहों पर विलेज में भी इस तरीके के घर होते हैं यहाँ पर रूफ़ कैसे होती है स्लोपिंग रूफ़ होती है ताकि रेन वाटर रहे वहाँ पर और जो स्नो है ज़्यादा देर तक वहाँ पर ना रह सके नीचे गिर जाए डू यू नो क्या आप जानते हैं इन ही एरियाज मोस्ट हाउजिज हैव फायर प्लेस टू बर्न लॉग्स क्या आपको पता है जितनी भी ठंडी जगहें हमारी हिली एरियाज़ हैं वहाँ पर फायर प्लेस जरूर होता है एक जगह होती है जहाँ पे लकड़ियों को जलाया जाता है लॉग्स में लकड़ियों का गट्ठा जो होता है उसको जलाया जाता है क्यों जाते हैं इट कीप्स द हाउस वॉम क्योंकि वो पूरे घर को वॉम यानी कि गरम रखता है क्योंकि विंटर में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो पूरा जो घर है बिल्कुल ठंडा हो जाता है तो इसलिए स्पेशल एक प्लेस होता है उसको फायर प्लेस बोलते हैं जहाँ पर विंटर में बहुत सी लकड़ियों को जलाया जाता है ताकि वो पूरे घर को गर्म रख सके और मैंने अभी आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में जो हिली एरिया के घर होते हैं वो किससे बने होते हैं वुड से ज़्यादा बनाए जाते हैं ताकि जो हवा है या कोई स्नो है कुछ भी चीज़ है वो बिल्डिंग को ज़्यादा ठंडा ना करें तो वुड जो है वो कमरे को भी गर्म रखती है सो डियर स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर द डे टमोरो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टाइप ऑफ हाउस टुडे वी हैव डिस्कस द टाइप ऑफ़ हाउस इन हिली एरिया हिली एरिया में किस तरह का घर होते हैं और रूफ कैसी होती है और रेनी सीजन में तो वाटर है स्नो है ठीक है कैसे स्लाइड करके इजीली नीचे चले जाते हैं बट विल यू डू यू विल रीड दिस पैराग्राफ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे